तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अभी से आप मेरे मेट्रो का कुछ देख पा रहे होंगे। एक्चुअली ये कानपुर नहीं है क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग नहीं हुई है, ये है दिल्ली। तो हुआ ये कि बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली आया हुआ था अपने जॉब को लेके, और अभी मैं निकला था थोड़ा सा घूमने के लिए। मेरा मतलब कि थोड़ा सा वहाँ रहते रहते दम घुट गया था, तो मेरे को लगा कि मेरे को जाना चाहिए कहीं घूमने के लिए। मैंने प्लान बनाया कि मैं जाता हूँ इंडिया गेट, बट भाई साहब जो स्कैम हुआ तो हुआ कुछ यूँ था कि मैंने मेरा बेसिकली मेरा प्लेस पड़ता है पायल सिनेमा, तो वहाँ से मैंने एक बस ली। तो फिर पता चला बीच में, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो मैंने बस ली। बस जो है, बस ने उतारा हमको राजेंद्र प्लेस। अब यहाँ से हमको इंडिया गेट जाना है। हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, 843 या 53 नंबर बस जो यहाँ से डायरेक्ट इंडिया गेट के लिए जाती है, वो आई नहीं रही है। 10 मिनट से मैं वेट कर रहा हूँ। सो अभी चलते हैं मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन फ़िलहाल मेरे बगल में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मेट्रो स्टेशन जाऊँगा, उसके बाद वहाँ से सेंट्रल सचिवालय जाऊँगा, उसके बाद केंद्रीय सचिवालय, वहाँ पे मैं वेट करता हूँ। अभी तो बस का वेट करते करते बहुत टाइम हो गया, बस को छोड़ते मारते गोली यार, पता नहीं क्या है, मेरे को कुछ करना पड़ेगा या जो भी है कर लेंगे कोई बात नहीं। सो अभी वेट करूँगा यहाँ पर नई मेट्रो आने के लिए। क्योंकि हम ब्लॉग करेंगे तो ब्लॉग में आ ही जाएगा, करना क्या इसी में निकाल। अजीब अजीब टाइप का काम चल रहा है यहाँ पे, सब लोग काम कर रहे हैं इसलिए अंदर नहीं जाने दिया जाएगा हमको। तो यहीं से कुछ फोटोज निकाल लेते हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे खुद रखे हैं इसलिए हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी बैक टू पवेलियन हो गए हैं हम, इतना सब सोच सोच के आए थे, बट छोड़ो यार, कोई होता रहता ये सब। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। वैसे मैंने अब एक्सप्लोर करना चालू किया है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे ही मेरी छुट्टियाँ रहा करेंगी मैं एक ब्लॉग लेके आया करूँगा, घूमने भी ऐसे निकला करूँगा मेरे इस कैमरे के साथ। अभी चलते हैं घर की ओर, थोड़ा सा टाइम लेस आपको देखने को मिलेगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करिएगा कि और क्या क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ अपने ब्लॉग में। गाइस, ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी जॉब जो है वो दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी। तो मेरा बहुत मन था कि मैं कानपुर में सारी चीज़ें पहले एक्सप्लोर कर लेता, उसके बाद जो है कि मुझे आने यहाँ पे आता मैं, बट लाइफ अकॉर्डिंग हमारी नहीं चलती है, जैसा हो रहा है उस हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। सो मैं अभी दिल्ली आया हूँ जॉब के सिलसिले से अपने, और यहाँ करते हुए जॉब मेरे को एक महीना अराउंड हो चुका है। तो अभी मैंने पहले तो कहीं जाने आने का मन नहीं होता था। अगर आप लोग में से कोई भी अपने घर से बाहर कहीं कभी रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। सो हाँ, मैंने फेस की एक महीने तक, और उसके बाद अभी हम लोग क्या, मैं ही अकेले घूमने वाला हूँ, मेरा यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है। सो अभी हम लोग दिल्ली को घूमने वाले हैं अच्छे से, अभी तो नहीं मैं ये कह सकता हूँ, हाँ 1-1.5 महीने में मैं आपको 2-3 जगह दिखा दूंगा, पक्का कह रहा हूँ। और अगर अच्छा लगता रहेगा तो फिर सपोर्ट दिखाते रहिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मेरे पिछले वाले वीडियो में 222 करके व्यू आए थे, अच्छा लगा था, कमेंट भी किया था,
और जितने भी सब्सक्राइबर हैं मुझे पता है मेरे रिलेटिव या मेरे जान पहचान के भी होंगे, 40 लोग हैं। अब नेक्स्ट से मैं ये अब वीडियो शेयर नहीं कराऊंगा ना, या फिर स्टेटस या कहीं पे लगा दिया करूंगा बस, अगर जिसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा तो देख लिया करिएगा, वरना फिर मैं शेयर करूंगा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम या जहां भी, सब जगह मैं शेयर कर लूंगा फिलहाल। तो यस, अब से नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, कानपुर नहीं तो दिल्ली ही सही, बट हाँ व्लॉग्स मैं करता रहूँगा। और आज का तो कोई नहीं, इंडिया गेट जैसा मतलब कि सबको दिख रहा है वैसे ही हमने भी मतलब कि ऐसे ही अपने कैमरे से दिखा दिया, कोई नहीं यार। एक मतलब कि एक कोई साथ में होता है ना तो थोड़ा वो सपोर्ट रहता है, जैसे लास्ट टाइम मैं शोभन मंदिर गया था, शोभन मेरे साथ था तो अच्छा लगा था यार। अकेले ऐसे घूमना मेरे को, पहली बात तो अकेले घूमना पसंद है ही नहीं, घूमना पसंद है मेरे को बट ऐसे अकेले घूमना नहीं पसंद है। तो ठीक है, क्या करूँ, सबको लेके थोड़ी नहीं दिल्ली आ सकता हूँ। खैर, तो लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। अब मैं करता हूँ उबर, यहाँ से मैं करूँगा उबर और उसके बाद फिर जाऊँगा मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से फिर सीधा मैं अपने घर, मैं अपने घर, आप सब अपने घर, घर पे ही होगी फिलहाल। चलो बहुत देर हो गई, मास्क लगा लेता हूँ जस्ट बिकॉज यहाँ कोई भी नहीं है, लिटरली कोई नहीं है, तो मैंने मास्क हटा दिया था। वैसे तो आप देखोगे पूरे व्लॉग में मेरा मास्क लगा हुआ रहेगा, कोशिश करूँगा कि हाँ वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे। नहीं मेरा देखिए डेली तो नहीं आ सकता है, मैं कोई डेली व्लॉगर हो ही नहीं सकता हूँ, इतना ज़्यादा कंटेंट है ही नहीं मेरे पास, इतना कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो हाँ, जो एक एक वीक में, दो दो वीक में मैं पक्का लाता रहूँगा, इसके लिए मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ, यहाँ ब्लॉग्स आते रहेंगे। मैं चाहे जैसे करके दूंगा, मैं मेरे को छुट्टी करनी पड़ेगी, मैं छुट्टी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी जो जर्नी रहेगी कानपुर के लिए वो वाली भी दिखाऊंगा, और नेक्स्ट मैं आगे प्लान भी कर रहा हूँ कहीं पे जाने के लिए दोस्तों के साथ। मैं पिछली बार नैनीताल गया था, वहाँ की भी थोड़े शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ हैं, बट उस टाइम पर इतना मतलब मोटिवेट नहीं था और इतना सब कुछ भी नहीं था मेरे में कि मैं वो करता। हाँ, मैंने नया फ़ोन लिया था तो मैंने सोचा था कि हाँ ब्लॉगिंग करूँगा, लेकिन कर नहीं पाया। अब जब मेरे को मौका मिला है तो मैं करूँगा ब्लॉगिंग, और हाँ क्वालिटी थोड़ी डाउन रहेगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके अब मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। दैट्स इट।